माय डियर स्टूडेंट्स, आपका चैनल प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 3। तो माय डियर, पेपर आपका नेक्स्ट मंथ है, तो आप प्लीज़ करके आप तैयारी कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के अनुसार ये आपको समझना पड़ेगा मैट्रिक्स का। देखो, मैट्रिक का मैं 5 वीडियो बनाऊँगा, 5 में से 5 वीडियो जरूर देखना। और मेरे हिसाब से तो आप इसको छोड़ना मत, ये आएगा। आप पूर्ण विश्वास है, ये आएगा। जब आएगा तो सोच लो, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माय डियर, आप इस पर नज़र मारें, नज़र दें इसके ऊपर, देखिए। तो माय डियर, देखिए कैसे निकलेगा। पहली बात की ब्रैकेट के बाहर होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ठीक है। पार्ट वन अभी हम इसको सोल्व करते जाएंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5 2 10, 2 7 14, ये हो जाएगा 2 by -6। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ओके। ये हो गया, ब्रैकेट में लगाएंगे, ओके दोस्त। हो जाएगा प्लस, ओके, समझ में आ रहा है जी। इसको आप लिखो 3, ये हो जाएगा -4, 1 और 2, हो गया। और माय डियर, इसको लिखेंगे सेम 7 15 और 6 14। इसको लिखा, अब क्या करेंगे माय डियर, ये प्लस है तो प्लस को प्लस आठ। तो देखिए, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, देखिए 2x + 3, 10 + 10 + -4, हो गया। और इसको इसे प्लस आठ करेंगे, 14 + 1, इसको इसे प्लस करेंगे 2 by -6, इसको लिखा +2, हो गया। अब यहाँ देखो दोस्तों, इसको देखो 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14, हो गया, कोई दिक्कत। अब इस पर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों, अभी पार्ट्स को, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 को 1 के साथ और 2 को 2 के साथ। तो पहली बात, यहाँ बोल रहा है फाइंड द एक्स एंड वाई, तो हम इसका इस्तेमाल हम इसके साथ करेंगे, देखिए क्यों, एक्स का मान करना है अब वाई को इसके साथ, तो 2 कॉलम बन जाएगा, हो गया। देखिए, तो 2x + 3 = 7, क्वेश्चन 1, हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 2x = 7 - 3, हो जाएगा 4। तो 2 x = 2 हो जाएगा 4/2, कितना आ गया 2, दिस इज आंसर, हो गया। अब पार्ट्स को इसको लिखेंगे 2 by -6 + 2 = 14, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 by -4 = 14, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, डिजिट है, तो इसलिए माइनस में हो गया। अब इसको इधर भेजो, तो 2 by 14 + 4 कितना हो गया 18, तो हो जाएगा 2 by 22 कितना हो जाएगा 18/2, कितना हो गया 9, तो बाई का वैल्यू कितना हो गया 9। माय डियर, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अब किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो समझो। देखिए, ऐसे मानिए ए की वैल्यू दे दिया, ए की वैल्यू दे दिया आपको, यहाँ पे मान लीजिए 2 3 4 5, और बी का दे दिया 3 4 5 6, हो गया। और कहे इसको a प्लस बी का मान करके, a प्लस बी या a माइनस बी सेम आएगा, तो बस प्लस करना होगा। a प्लस बी अगर बोले तो कुछ नहीं करना है, इसको प्लस, इसको यहाँ रखो 2 3 4 5, प्लस इसे लिखो 3 4 5 6, हो गया। अब क्या करना है, 2 3 5 5 3 4 7 और 4 + 5 9 और 5 6 11, हो गया, समझ आ रहा है। अगर यही दोस्तों होता मल्टीप्लाई, देखो अगर मल्टीप्लाई में होता, समझ रहे ना, अगर मल्टीप्लाई में होता तो इसको देखो, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे
टू थ्री, देखो प्लस में होता तो प्लस कर दिया, अगर ये माइनस में अगर होता ना तो हम इसको इसको माइनस करते, इसको इससे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, एक मल्टीप्लाई तो देखो कैसे बनेगा, टू थ्री फोर फाइव मल्टीप्लाई थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आ गया। देखिए इसको करेंगे इसके साथ और इसको करेंगे इसके साथ, समझ रहे हैं आपको, इस तरह समझना पड़ेगा आपको, है ना, एक चीज समझना पड़ेगा, इसे करेंगे फर्स्ट में इसके साथ, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे इसके साथ, ऐसे करना है तीन तीन बार। देखिए देखो दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे टू इंटू थ्री, यानी रो को कॉलम के साथ करना पड़ेगा, फोर इंटू फोर हो गया। अब हम इसको करेंगे इसके साथ, टू मल्टीप्लाई फाइव प्लस फोर मल्टीप्लाई सिक्स हो गया। अब इसको करेंगे इसके साथ, थ्री 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 जा, और फाइव को करेंगे फोर के साथ। अब इसको करेंगे इसके साथ, थ्री टू फाइव, फाइव इंटू सिक्स हो गया। अब यहां देखो माय डियर, थ्री टू जा सिक्स प्लस सिक्सटीन, फाइव टू जा टेन प्लस ट्वेंटी फोर, अब हो जाए थ्री थ्री जा नाइन और फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और सिक्स फाइव जा थर्टी, ठीक है। तो इसमें प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई का इसके ऊपर पूरा मैट्रिक्स का वैल्यू, इस पर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको जरूर समझो। ये हो जाएगा ट्वेंटी टू, प्लस कर दो, इसको प्लस करो ट्वेंटी नाइन, और इसको प्लस करो थर्टी फोर, इसे प्लस करो फोर्टी फाइव, ठीक माय डियर। तो इस तरह से वीडियो मैं बनाता रहूँगा, मैट्रिक्स के पार्ट थ्री है, इसको आप नज़र रखें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।